Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem amma ba'd fa'auzu billahi minash shaitanir rajeem bismillahir rahmanir rahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. We know that Surah Hujrrat basically deals with all the social issues. But very surprisingly, the moment you start Surah Hujrat, you find out that Allah subhanahu wa ta'ala is talking about something that we wouldn't expect to be part of the social issues. But the ground reality that we find out from Surah Hujrat is ki jab tak hum Allah aur Rasool ki baat ko weightage nahi denge, hamare paas koi standard nahi aayega, koi benchmark nahi aayega. Phir har shakhs apne taraf se decide karega ki kya cheez sahi hai. Second principle humne last time shuru kiya tha, which is in verse number 2, ki do not raise your voice above the voice of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Hum sunnaton ke bare mein jokes nahi crack karenge. Agar koi latifa suna raha hai aur hame bhi bahut hansi aa rahi hai, but it is about deen, it is about sunnahs of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, we are going to be dead serious. We will not enjoy that joke. We'll tell them ki I don't have taste for such jokes. आज हम थोड़ी सी बात करेंगे रिस्पेक्ट के बारे में. यहाँ मैं बैठ के आपको बताऊँ पैरामीटर्स ऑफ रिस्पेक्ट, तो इट इज़ ईजी टू टॉक अबाउट इट. और उस वक्त बैठे बैठे सुनते हुए लगता है येस आई डू इट एंड आई कैन डू इट, हम बड़े जोश में आते हैं. लेकिन जैसे ही हम क्लासरूम एनवायरमेंट में से बाहर निकलते हैं, हमें जब इंटरेक्ट करना पड़ता है अपनी टीचर्स के साथ, बहन भाइयों के साथ, पेरेंट्स के साथ और लोगों के साथ सोसाइटी में, तो क्या होता है, पीयर्स के साथ, वो सारा भक उड़ जाता है. हम कहते हैं हाँ क्लास में तो बहुत अच्छी तरह समझ आया था, बट प्रॉब्ली दीज थिंग्स आर नॉट एप्लीकेबल इन दीज टाइम्स. सो माई फोकस यूजली इज टू टॉक अबाउट वेयर वी कैन अप्लाई इट एंड हाउ वी कैन अप्लाई इट. तो पहले मुझे आपसे पूछना है कि कहाँ कहाँ पर हम सबको रिस्पेक्ट के प्रॉब्लम्स होते हैं, हमें कहाँ इज्जत नहीं मिलती और कहाँ हम किसी को देना चाह रहे हैं इज्जत लेकिन दे नहीं पाते. छोटे बहन भाई जी. We try our level best कि मैंने टीचर की इज्जत करनी है. कई दफा टीचर्स का एटीट्यूड ऐसा हो जाता है, या ये है कि टीचर वो पढ़ाती अच्छा नहीं है तो फिर दिल नहीं चाहता उसकी इज्जत करने को, एंड वी एंड अप टॉकिंग अगेंस्ट हर. गिल्ट भी होता है उस वक्त कि आई शुडंट बी टॉकिंग अबाउट द टीचर, लेकिन क्या करूं भाई, अब वो डिजर्व नहीं करती, वो नहीं सही काम कर रही. और क्लास फेलोज के साथ क्या क्या इश्यूज होते हैं जिसमें रिस्पेक्ट नहीं की जाती. ग्रुप असाइनमेंट्स, इतना बड़ा दुख. एक और भी मजलूम ग्रुप है घर में जिसको हम देखते नहीं. बहुत से लोग कह रहे हैं पेरेंट्स मजलूम, हाउ कैन यू कॉल देम मजलूम, यू नो दे आर द वन हु आर इम्पोजिंग ऑल द कर्फ्यूज ऑन अस. कभी आपने देखा रिपल इफेक्ट? इफ यू थ्रो समथिंग विच इज हैवी, इट विल क्रिएट स्ट्रॉन्गर रिपल्स. इफ यू थ्रो समथिंग विच इज लाइटर, शायद हो थोड़ा सा रिपल इफेक्ट और शायद ना हो. सो यहाँ पे हम देखते हैं कि रिस्पेक्ट में अल्लाह सुबहान तआला ने हमें बताया है क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग रिपल इफेक्ट. सबसे पहले किसकी इज्जत है? अल्लाह सुबहान तआला की. अपने रब को रब मानना. उसके बाद किसकी आ गई? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की. थर्ड रिपल में क्या आएगी चीज? पेरेंट्स आएंगे. अगर आपको पेरेंट्स की इज्जत करनी आ गई, उनको इज्जत देनी आ गई, तो फिर आपके लिए बहन भाइयों के साथ मामलात करना और उसके बाद बाहर आके टीचर्स के साथ करना बहुत आसान हो जाएगा. ये पॉसिबल नहीं है कि आप अपने पेरेंट्स की इज्जत करते हो और फिर आपको अपने टीचर की इज्जत करनी ना आए. आप अपने पेरेंट्स की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आपके बहन भाई ने आपको इतना तंग कि आपका बेचारा कत्ल कर दूं, तो आप क्या करेंगे? अम्मी ने कहा बेटा छोड़ दो, तो क्या कहेंगी? छोड़ देंगी. लेकिन इफ यू डोंट हैव गुड रिलेशनशिप विद योर पेरेंट्स, यू डोंट रिस्पेक्ट देम एंड योर मदर कीप्स टेलिंग यू बेटा छोड़ दो, तो हम क्या कहते हैं? नहीं, कभी नहीं छोड़ूंगी. द इश्यूज वेयर वी सी डिसरिस्पेक्ट इन आवर सोसाइटी, एंड दे से दैट वी आर लिविंग इन अ टाइम्स व्हेन वी हैव स्पॉइल्ड जनरेशन. इस वक्त हमारे पास जो यंगस्टर्स हैं, जो यूथ हैं, उनका बहुत बड़ा मसला क्या है कि दे बिलीव दैट वी डिजर्व रिस्पेक्ट. हमारी सबको इज्जत करनी चाहिए. कमाल है, इतने हम पढ़े लिखे हैं, गैजेट्स हम ऐसे ऑपरेट करते हैं, कोई आप चीज बोले ऐसे गूगल करके आपको निकाल के दे देते हैं, तो हमारी कोई इज्जत ही नहीं करता, हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है. इफ यू फील दैट यू डिजर्व रिस्पेक्ट, तो उसके साथ क्या होता है? यू हैव अ सेंस ऑफ डिसोबीडियंस. आप फिर डिसोबे करते हैं. मैं क्यों उनकी बात मानूं? हाँ, करती क्या है वो मेरे साथ?
क्लास में कैसा रवैया उनका मेरे साथ, घर में मेरी अम्मी क्या करती हैं, मेरे अब्बू को देखा है उनको बात भी नहीं करनी आती, मेरे बहन भाई बर्दाश्त नहीं होते मुझसे. देन यू आर नॉन कॉम्प्लायंट, यू डोंट वॉन्ट टू लिसन टू एनी वन. Somebody comes and tells you, सुनो टीचर ने कहा है कि असाइनमेंट सबमिट करानी है, करा देंगे मांगती रहती हैं. दिस इज एन एटीट्यूड ऑफ डिसरिस्पेक्ट एंड देन यू आर वेरी रूड. यू आर रूड इन योर बिहेवियर एंड यू आर रूड इन योर ऑल डीलिंग्स. वट आर द कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स विच लीड टू डिसरिस्पेक्ट? नंबर वन, लैक ऑफ डिसिप्लिन फ्रॉम द पेरेंट्स. इफ योर पेरेंट्स आर टू लीनियंट, बच्चे ने खाना नहीं खाया, अम्मा ने 3 दिन का फाका कर लिया. भाई बच्ची जो कॉलेज में यूनिवर्सिटी में आके चाट समोसा मैकरोनी और शवरमा खा रही है वो आपको नहीं नजर आ रहा. आई मीन सिंस यू आर फ्यूचर पेरेंट्स, यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि नेवर बी टू लीनियंट और डू नॉट हैव अ हाउस एनवायरमेंट वेयर देयर इज नो स्ट्रक्चर. अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके घर में स्ट्रक्चर है और आप अपने पेरेंट्स को बहुत जालिम समझते हैं, इन कपल ऑफ ईयर्स यू विल लर्न टू चेरिश इट. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है योर एटीट्यूड्स दैट यू पिक फ्रॉम योर फ्रेंड्स. You know, it is considered very cool to be disrespectful. Teacher का मजाक उड़ाएंगे. आज पढ़ने को दिल नहीं जा रहा, मौसम बहुत अच्छा है, क्लास में ना ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे कि पढ़ाई ना हो सके. अगर कोई अपने पेरेंट्स की बुराई कर रहा है तो मुझे भी करनी है. पीयर प्रेशर दैट ग्रिप्स यू. फिर इसके बाद आप देखें कि मीडिया पोर्ट्रे सच पीपल एज रियली कूल. थ्रिल ही वो है कि ऐसा जो एबनॉक्शियस कैरेक्टर है, जो बहुत रिबेल करता है, वो बहुत अच्छा लगता है. I was reading one survey, it was a movie survey from 1996 to 2009 for the PG rated movies. They said 89% use crude language and 59% use obscene language. Ab, most of us are glued, especially in the youth, to all these movies and games and we are learning a lot of disrespect. वैसे disrespect सीखने के लिए Tom and Jerry काफी है. मुंह चपटा हो गया, इधर टांग रख दी, हाँ उंगली रख के उसका खाना उठा लिया. तो डिसरिस्पेक्ट तो हम हर वक्त सीख रहे होते हैं. लेकिन आप देखें कि अल्लाह सुबहान व तआला ने इस आयत नंबर 2 में क्या कहा, अंतहबत आमालुकुम. दिस इज स्केरी. देखो रिस्पेक्ट करो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करो और उसके बाद सारी सोसाइटी में ये कल्चर क्रिएट करो रिस्पेक्ट का, नहीं तो तुम्हारे अमाल जाया हो जाएंगे. कैन यू इमेजिन, फजर के लिए आंख नहीं खुल रही, अलार्म लगाया, मुश्किल से उठे, ठंडे पानी से वजू किया, गर्म बिस्तरा छोड़ा, नमाज पढ़ी, जिक्र किया, बाद में दुआएं पढ़ी और इतने काम किए, सदका दिया अपनी पॉकेट मनी में से, एंड जस्ट बिकॉज विद ऑल दीज थिंग्स यू शो डिसरिस्पेक्ट, आपके अमाल अंतहबत अमालुकुम जाया हो गए, गॉन. और फिर क्या है वो, अंतुम ला तशऊरून, आपको शऊर भी नहीं होगा. किसी से भी डील करते हैं तो एक बहुत बड़ा बिल बोर्ड आपकी आंखों के सामने आना चाहिए, रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट. क्योंकि ये जो बात है ना वो अंतुम ला तशऊरून, इसका मतलब क्या है, यू आर कैजुअल. हाँ तो क्या हुआ, अम्मी कह रही बेटा तुमने ये काम नहीं किया, तो अम्मी भाई भी तो नहीं करता. रादर देन फोकसिंग ऑन आवर सेल्स वी फोकस ऑन अदर्स. फलां डिपार्टमेंट वाले देखे वो भी तो नहीं करते, सारी दुनिया में कोई नहीं पूछता, हम ही रह गए पूछने वाले. या सम पीपल हैव केयरलेस एटीट्यूड और सम पीपल फील दे आर वेरी बोल्ड एंड डेयरिंग एंड सम पीपल लिव विद दिस डिसेप्शन. नहीं 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 नहीं, अल्लाह ताला कुछ नहीं कहेगा, मेरा दिल तो साफ है ना. अब अल्लाह ताला और किसी को नहीं पकड़ेगा, सिर्फ मुझे ही पकड़ेगा. जो मेरे घर वाले मेरे साथ ज्यादती करते हैं उस पर उनकी पूछ नहीं होगी, जो मेरी टीचर मेरे साथ ये काम करती है उनको नहीं पकड़ा जाएगा. दिस इज अ डिसेप्शन. वहां पे अल्लाह ताला ने हमें क्या कहा, यू विल बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर व्हाट यू डिड. बिकॉज लॉट ऑफ टाइम पीपल से अगर किसी ने मेरे साथ ज्यादती की तो फिर मतलब मैं फिर भी उसके साथ अच्छी रहूं. हाँ फिर भी अच्छे रहें, एंड देयर आर वेज टू डू इट. आपसे पूछा जाएगा, अच्छा समबडी वॉज रूड टू यू बट हाउ डिड यू बिहेव इन दैट सिचुएशन, डिड यू डू सबर, डिड यू शो रिस्पेक्ट, डिड यू हैंडल द सिचुएशन विद द राइट बॉडी लैंग्वेज. एक बड़ा कॉमन सेइंग होती है, बा अदब बा नसीब, बे अदब बे नसीब. नॉलेज विल गिव यू पावर बट कैरेक्टर विल गिव यू रिस्पेक्ट. सो द मोर नॉलेजेबल वी आर वी थिंक वी नो एवरीथिंग. अम्मी मुझे पता है, अब्बू मुझे पता है. एक तो हर कोई मुझे ही तमीज सिखाने की कोशिश करता है, अपने बारे में नहीं सोचता. सो व्हाट इज रिस्पेक्ट? इफ आई हैव टू डिफाइन रिस्पेक्ट आई वुड से इट इज शोइंग रिगार्ड फॉर वर्थ ऑफ समवन. When you value someone and when you have consideration for someone and what kind of treatment you give out to that person, that is respect. Like when you look at your parents, toh unki respect kya hai?
you know, these are two people in my life which love me unconditionally. उनका कोई और इंटरेस्ट नहीं है, दुनिया में कोई नहीं है जो आपके लिए रातों को उठ के बैठ रहा है. सिर्फ माँ होती है, आपने खाना नहीं खाया, उसने खाना नहीं खाना. फ्रेंड क्या कहेगी, ठीक है नहीं खाती ना खाओ, मैं तो जा रही हूँ खाने, मुझे तो भाई भूख लगी है. हाय अल्लाह, अम्मा का तो दिल कट जाएगा कि अगर आपने कोई जोड़ा मांगा है, उनके पास पैसे नहीं है और उन्होंने आपको नहीं लेके दिया. शी कट आउट हर ओन एक्सपेंसेस. अब्बा आपके सुबह से रात तक नौकरी कर रहे हैं कि मेरी बेटी पढ़ रही है, उसकी सेमेस्टर फी देने वाली है. जब तक हम किसी चीज को वैल्यू नहीं करते ना, उसकी रिस्पेक्ट नहीं आती. आपकी अम्मी आपको 2500 का फोन ले दें तो क्या होता है, जगह जगह पड़ा हुआ है. अम्मी कहती बेटा नया फोन है संभालो, आप कहती इसमें है क्या. 70,000 का फोन लेते तो क्या करते हैं, किसी की उंगली भी लग जाती ना, खबर ना मेरे फोन को उंगली लगाई तो पता है कितना महंगा फोन है. सो रिस्पेक्ट मीन्स व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड द वर्थ ऑफ दोज पीपल. आपको अपने बहन भाई की वर्थ नहीं है. लाइक आई नो दिस वन फ्रेंड ऑफ माइन हु इज द ओनली चाइल्ड. हर पेरेंट्स गॉट वेरी सिक एंड हाउ शी हैड टू टेक केयर ऑफ देम. अल्टीमेटली व्हेन हर पेरेंट्स पास अवे शी हैड नोबडी टू फॉल बैक ऑन. और वो हम सबको कहती थी तुम लोग कितने लकी हो, तुम्हारे बहन भाई हैं. और हम सोचते थे, हम बचपन में बहन भाइयों को मुसीबत समझते थे, लेकिन वही बहन भाई आपके लिए एक स्ट्रांग फोर्स होते हैं. दे आर कमिंग फ्रॉम द सेम बैकग्राउंड, दे शेयर सो मेनी ट्रेट्स विद यू. अब मैं आपको क्विक टिप्स दूंगी आपने रिस्पेक्ट करनी कैसे. सबसे पहली बात है यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट. फॉरगेट अबाउट व्हाट अदर पर्सन इज डूइंग. नहीं अम्मी डांटती बहुत है, नहीं अब्बू तो बैठते ही नहीं है, नहीं टीचर जो है बहुत रूड है, नहीं मेरी बहन बहुत मुझे इरिटेट करती है. फॉरगेट अबाउट इट. आपने रिस्पेक्ट देनी है. उसके लिए आप क्या करेंगे, नंबर वन यू हैव टू बी रियली सिंसियर इन योर रिलेशनशिप. हमारी रिलेशनशिप में सिंसियरिटी सिर्फ तब है जब वो हराम है. मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी. अम्मा पे मरे, अब्बा पे मरे, बहन भाइयों पे मरे, उस्ताद के लिए मरे कि देखो मेरी टीचर मुझे इतनी मेहनत से आके पढ़ाती है. अगर बड़ा बहन भाई है मुझे उसकी इज्जत करनी है. अगर छोटा बहन भाई है आई नीड टू टेक केयर ऑफ देम. ये जो कल्चर शुरू हो गया ना अकेडमीज का, ये तो नहीं पहले होता था. पहले क्या था, इफ यू आर एजुकेटेड तो आप अपने छोटे बहन भाई को पढ़ाते थे. अब हम कहते नहीं अम्मी मेरे पास कोई टाइम नहीं है. कमाल है, 3 दिन से मैंने फेसबुक पे कोई पोस्ट ही नहीं लगाई, इसको पढ़ाऊं, ये खुद क्यों नहीं पढ़ता. ऐसे नहीं होता, यू हैव टू बी सिंसियर. आओ मैं तुम्हें समझाती हूँ, माई मैथ्स इज गुड, आओ मैथ्स पढ़ाती हूँ. अम्मी आप सारा दिन काम करती हैं, संडे आपके लिए भी तो रेस्ट का दिन हो सकता है ना, आप रेस्ट कर लें. इस संडे को मैं आपके लिए खाना बनाऊंगी. कहते हैं एक संडे मिलता है आराम के लिए, तो अम्मा को तो वो भी नहीं मिलता. फिर हम कहते हैं अम्मी एक तो आप कभी कपड़े नहीं पहनती, कभी ड्रेसअप नहीं होती, वो कैसे हो. हम सिर्फ कहते हैं मुझे नहीं पता, बस मुझे ना ये 2 मंथ्स के अंदर लैपटॉप नया चाहिए, आई डोंट केयर. आर वी सिंसियर टू थिंक हाउ मच माई फादर इज अर्निंग, कितने बिल्स हैं, कितने उनके खर्चे हैं, बाकी बहन भाइयों के लिए भी उन्होंने क्या करना है. हाँ हाँ आपको इसी से प्यार है, इसको ले दिया. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज यू नीड टू डेवलप गुड लिसनिंग स्किल्स. यानी लिसनिंग स्किल क्या है, अंडरस्टैंड फ्रॉम द बॉडी लैंग्वेज योर मदर इज टायर्ड, शी इज वरीड अबाउट समथिंग, यू नीड टू गो एंड हग हर एंड आस्क हर, अम्मी आप परेशान है. नहीं बेटा मेरे सर में दर्द है. अम्मी आप बैठ जाए, चाय मैं बना देती हूँ. कितना आपका रिलेशनशिप खुद अच्छा होना शुरू हो जाएगा. हम कहते हैं चलो जब घर आओ मुंह बना हुआ होता है, फिर मेरे घर में तो परेशानियां नहीं खत्म होती. और फिर हम अपने आप को किसी वो ड्रामे की हीरोइन समझते हैं, हम कहते हैं देखा उसके भी यही मसले हैं. थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस गिविंग रिस्पेक्ट इज लर्न टू कॉम्प्लीमेंट पीपल. अगर भाई ने बहन ने कोई काम किया, मैंने ना अपना कमरा साफ किया, कहाँ साफ किया, ये तो लटक रहा है यहाँ पे, इसको सफाई कहते हैं. अम्मी आपको मैंने कहा था कि पेस्ट्रा बनाना, ये आपने पता नहीं अजीबो गरीब चीजें इसमें डाल दी. शी स्पेंट द होल डे कुकिंग समथिंग फॉर यू दैट यू वॉन्टेड. और हम समझते हैं कि हमने ऑर्डर दिया था रेस्टोरेंट में जाके और वो प्लेटर आ रहा है, अब हमें पसंद नहीं आ रहा, हम रिजेक्ट कर रहे हैं. कमेंट कार्ड लाओ, हमने ये लिखना है कि अच्छा नहीं था. ऐसे थोड़ी होता है. फिर हम कहें कि हमें कोई पूछता नहीं, हमारी कोई वैल्यू नहीं करता. यू नीड टू कॉम्प्लीमेंट पीपल ऑन समथिंग गुड दैट दे आर डूइंग अराउंड. वी ऑल्सो नीड टू डेवलप एम्पथी. एक टीचर नया कॉन्सेप्ट पढ़ा रही है, भाई वी नीड टू गिव हर स्पेस कि हम सुने तो सही बात. एक मेरी क्लास फेलो है, वो 2 दिन से नहीं आई है, उसको मैं हेल्प कर दूं, चलो बैठो हम फ्री टाइम में तुम्हें समझा देते हैं. आफ्टर यू स्टार्ट गिविंग रिस्पेक्ट बी रिलायबल. यू हैव टू लर्न टू फुलफिल योर प्रोमिसेज. व्हाट यू से यू डू. इफ यू आर नॉट एबल टू डू इट देन यू अपोलोजाइज और यू गिव आउट द रीजन दैट आई एम नॉट एबल टू डू. अम्मी कह रही है बेटा तुम्हारा कमरा इतना गंदा है. अम्मी संडे को प्रोमिस, संडे को सफाई करूंगी. अब संडे आता है तो क्या होता है, टाटा बाय बाय. बाहर एक साइन बोर्ड लगा देते हैं डू नॉट डिस्टर्ब, सारा दिन सोने के लिए.
अच्छा फिर हम कहते हैं क्या मुसीबत है, एक संडे का दिन है उसमें भी डांटनी पड़ती रहती है, शी विल नॉट ट्रस्ट यू फॉर एनीथिंग। आपने कहा मैं संडे को सफाई करूंगी, संडे को सफाई करें। अगर किसी दिन आपका मूड नहीं है, तबीयत खराब है, उस दिन जाके खुद ही कह दे अम्मी मैंने आपसे प्रॉमिस किया था आई डू इट बट आई डोंट फील अप टू इट, तो कैन आई डू इट लाइक नेक्स्ट संडे। लेकिन ये नहीं है कि हर संडे को ये कर दिया। इसी तरह क्लास फेलो, इसी तरह टीचर, किसी को आपने कमिटमेंट दी आप उसकी रिस्पेक्ट लूज कर जाते हैं, भूल गया दैट इज डिफरेंट, लेकिन अपनी कमिटमेंट्स को पूरा करना। फिर यू नीड टू ऑफर हेल्प, घर में भी यहां भी। मैं फारिग बैठी हुई हूं, मैं टेक्स्ट कर रही हूं, मैं देख रही हूं घर में किसी को कोई काम में मुश्किल हो रही है, तो आप खुद अपना वो रख दें फोन दो मिनट के लिए और आप उसको कहें कैन आई हेल्प यू, कैन आई डू दिस फॉर यू। आप मुझे बताएं ऑनेस्टली स्पीकिंग हम कितनी दफा घर में हेल्प ऑफर करते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू डू इज हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। यू नो वी आर लिविंग इन द टाइम्स व्हेन वी एब्जॉर्ब लॉट ऑफ नेगेटिविटी एंड वन इंपॉर्टेंट नेगेटिविटी वी एब्जॉर्ब इज आई एम वर्थलेस, मैं नहीं कर सकती, मेरे से कोई खुश नहीं होगा, मैं ना भी हूं ना दुनिया में तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे नहीं सोचना, आपने सोचना है मैं वर्थ इट हूं, अल्लाह ताला ने मुझे अगर पैदा किया इस टाइम में इस जगह पर, मेरा रब मुझसे कुछ चाहता है कि मैं कुछ काम करूं एंड आई कैन डू इट। इफ ही हैज गिवन मी डिफिकल्ट पेरेंट्स आई कैन डील विद देम, इफ ही हैज गिवन मी सच वर्स्ट सिबलिंग्स आई कैन हैंडल देम। और आप जब ये सोचते हैं तो आपके अंदर एक विल पावर क्रिएट होती है कि आप कहते हैं यस आई कैन डू इट, तब आप लोगों को ऑफर करते हैं। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है ना तो कॉन्फिडेंस आपको एरोगेंस नहीं देता, हम्बल बनाता है। अपोलोजाइज कर लेना, ख्याल रखना लोगों का, फिर आप थोड़ी बात करते हैं लेकिन जो बात करते हैं वो अच्छी करते हैं किसी से भी। यू टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शंस। सो अब आपने क्या काम करना है, यू हैव टू मेक अ चेक लिस्ट फॉर योर सेल्फ, हाउ मच रिस्पेक्ट आई एम गिविंग टू पीपल अराउंड मी एंड डोंट एक्सपेक्ट एन ओवरनाइट चेंज कि आज मैं घर जाके काम करूंगी, अम्मी को मुस्कुरा के देखूंगी, अम्मी गले लगा लेंगी, नहीं अम्मी सस्पिशियस होंगी, कहेंगी इसको जरूर पॉकेट में नहीं चाहिए। तो अम्मी को इतना गुस्सा आया होता है जो आपने पिछले 5 साल में जो आपने पैकेज प्रिपेयर किया होता है, तो उसको भी तो टाइम लगेगा ना पूरा अनवाइंड होने में, क्योंकि दूसरे दिन ही मैं आ जाते हैं कोई ना कोई मेरे पास क्लास में, आपने कहा था रिस्पेक्ट दो, मैंने तो इतनी रिस्पेक्ट दी 3 घंटे, अभी तक अम्मी का मूड खराब है। देखिए जहां आपने गलती की है, मेस किया है, आपने प्रोग्रामिंग कोड गलत लगाया, तो उस सारे को ठीक करने के लिए टाइम भी तो लगेगा ना, आपको पूरा सेमेस्टर लगाना पड़ेगा, फिर आप सेमेस्टर लगाएंगे फिर उनको थोड़ी सी होगा कि ये तो बदल गई, ये तो असली वाली बेटी आ गई हमारी, तो फिर वो भी आपके साथ अच्छे तरीके से डील करेंगे। When you tell someone, I'm going to do a certain thing, make sure you write it down somewhere. How many of you use diary? Okay, how many of you have phone? Everyone. Do you know, by the way, there is a calendar in your phone? Yes. Yes. Use it. और जो जिससे कमिटमेंट करेंगे आप वो पूरी करेंगे, और अगर नहीं पूरी कर सकते आप उनको रीजन देंगे और अपने लिए भी रीजन देखेंगे वाई आई कुडंट डू इट, आइंदा नहीं वो होना चाहिए। और थर्ड लास्ट चीज जो मैंने आपको कही है, फील गुड अबाउट योर सेल्फ वेन यू मेक एन एफर्ट, डोंट थिंक अबाउट अदर पीपल और अदर पीपल्स रिएक्शन, टेल योर सेल्फ आई डिड माई बेस्ट, मेरे रब को पता है कि मैंने यहां पे सही एफर्ट लगाई। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।